गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, वेलकम टू EVS ऑनलाइन क्लासेस। सो हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर चैप्टर 13th एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया हुआ है, सर्कल द पिक्चर इन विच वाटर इज बीइंग वेस्ट। उस पिक्चर पे सर्कल करना है जिसमें वाटर क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो देखो, फर्स्ट पिक्चर हमें दी हुई है कि एक बॉय है जो वाटर ड्रिंक कर रहा है, पानी पी रहा है, तो इसमें वेस्ट नहीं हो रहा। सेकंड पिक्चर में दी हुई है कि एक लड़का है जो ब्रश कर रहा है, बट उसने टैप को क्या है, नल को खुला हुआ छोड़ रखा है, तो इसमें पानी क्या है, वेस्ट हुआ हो रखा है। तो इस पर क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। थर्ड में एक लड़का है वो पेड़ों में पानी दे रहा है, तो इसमें पानी का वेस्टेज नहीं है। और नेक्स्ट है एक टैप, पानी वैसे ही वेस्ट जा रहा है, बाल्टी भर चुकी है उसके बाद भी, ठीक है। तो इन दोनों पे क्या आएगा, सर्कल आएगा। आगे आते हैं, रीअरेंज द लेटर टू नो अबाउट वेरियस यूजेज ऑफ वाटर। नीचे हमें अरेंज स्पेलिंग करके लिखनी है, जो कि हमें गलत स्पेलिंग दी हुई है उनको सही ढंग से अरेंज करके लिखना है। तो फर्स्ट स्पेलिंग बनेगी COOKING, कुकिंग। थर्ड सेकेंड बनेगी CLEANING, क्लीनिंग। थर्ड बनेगी ड्रिंकिंग DRINKING, ड्रिंकिंग। और फोर्थ बनेगी BATHING, बाथिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी लीव विदाउट वाटर? सो आंसर इज नो। सेकेंड है, शुड वी वेस्ट वाटर? आंसर इज नो। थर्ड है, गिव वन यूज ऑफ वाटर, सो कुकिंग। आगे चले, क्वेश्चन डी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प बॉक्स। यहाँ पर हेल्प के लिए हमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनको देखकर हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है, वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग। सेकंड, सी हैज सॉल्टी वाटर, इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। थर्ड है, लिविंग बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। फोर्थ है, वाटर इज एन आल्सो यूज इन क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। ई है, टिक राइट द राइट एंड क्रॉस द रोंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हैज़ नो यूज फॉर लिविंग बींग्स, सो इधर क्रॉस का साइन आएगा। सेकेंड है, प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू, रहेगा राइट का आंसर। गो एफ हमें जो क्वेश्चन दिया वो है, गो इन योर किचन एंड सी द कंटेनर्स विच योर मदर यूजेज टू स्टोर वाटर, राइट नेम्स ऑफ एनी टू ऑफ देम हेयर। अपने किचन में जाना है, पानी के कंटेनर्स यानी कि आपकी मदर जो है वो किस में पानी स्टोर करके रखती हैं, तो दो कंटेनर्स, दो बर्तन, यूटेंसिल्स के नेम लिखने हैं यहाँ पर, तो ये आपको सेल्फ करना है, ठीक है। तो इसके साथ जो अपनी 13 चैप्टर की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। इसको आपको EVS की नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है इसका वर्क। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ़।